नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है आज के महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स का। जब महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स की बात करें तो एक खबर सामने आई है कि अजीत पवार जेल में जाएंगे। चौंकाने वाली खबर नहीं है, क्योंकि अजीत पवार जेल जाएंगे ऐसा कहा है शालिनी ताई पाटिल ने। क्यों कहा, इसी पर थोड़ा चर्चा कर लेंगे हमारे सहयोगी अनिल सचिन से, और जानेंगे कि अजीत पवार की स्थिति क्या बन रही है, क्या सही में वो जेल में जाएंगे, क्योंकि चुनाव आगे चुनाव है, आगे उसके बाद विधानसभा चुनाव है, लेकिन उसके पहले जेल जाएंगे तो क्या होगा उनके पार्टी का। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपका रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को आप सब्सक्राइब तो कर ही रहे हैं, और गलती से किसी ने नहीं किया रहेगा और वीडियो देख रहा है, तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इतना साथ दीजिए, और जो है हम लगातार जो है देश की राजनीति खबरों पर जो है हम अंदर की बात की चर्चा करते हैं और अब तक पहुंचाते हैं, और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आप तक जो है वीडियो हमारा पहुंचता रहे। तो इसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारा फैमिली मेंबर बन जाइए। अब आगे बढ़ते हैं। सतीश, आपसे पूछता हूं कि शालिनी ताई पाटिल ने जो है किस बेसिक पर कहा है कि अजीत पवार जो है चुनाव के पहले ही जेल में चले जाएंगे। सर, क्या लगता है आपको कि जो जिस तरह से उन्होंने चुनौती दी है शालिनी ताई पाटिल ने, आपने तो बहुत बड़ा पॉलिटिक्स बहुत पुराने जमाने चले आ रहे हैं, जब शालिनी ताई पाटिल को भी कई बार मिले हैं आपने, उनका माहिम का घर है, जी जी, वहाँ मैं हमेशा जाता था, तो क्या लगता है कि अजीत दादा के साथ क्या होने वाला है? सर, पहली बात ये याद रखो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, जी, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, मतलब अभी कैलाशवासी भी हो गए, वसंतदादा पाटिल जो थे, जी, उनकी बीबी शालिनी ताई पाटिल है। बिल्कुल, वसंतदादा पाटिल की जिंदगी में अगर कोई ट्रेजेडी हुई होगी, जी, वो सहकार महर्षि थे, महाराष्ट्र के विकास में वो चौथी पास थे। हाँ, हम जरांगे को बोलते पांचवी पास है, मगर वो तो चौथी पास थे। अच्छा, फिर भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, तब से हर एक चौथी पास को लगता है मैं भी बन सकता हूँ। पहले मालूम होता मैं भी चार ही तक पढ़ा होता। आप चार चौथी तक पढ़े? नहीं, अगर पहले मालूम होता चौथी में एक बार फेल हुआ था। अरे आप बन जाते। फोर्थ स्टैंडर्ड में मैं फेल हो गया था चौथी। अरे बाबरे, फोर्थ स्टैंडर्ड में दो बार पढ़ा हूँ। अरे बाबरे, तो चलो वो छोड़ो, आज के समय में तो कोई फेल ही नहीं होता। मेरे सामने कोई आता है, मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, बीकॉम कर लिया, एमबीए कर लिया, लेकिन कोई फेल नहीं थी, फेल वाला बंदा नहीं मिलता, लेकिन मैं बोल सकता हूँ मैं फोर्थ में फेल हुआ था। सर, ये वसंतदादा पाटिल जो थे उनके मेरे भी बहुत अच्छे संबंध थे। एक तो ऐसा पल आया था कि उनका एक कॉलेज था माधवनगर में, और आर्ट साइंस कॉलेज, तो उन्होंने मुझे बोला था कि तेरे जैसा प्रतिभाशाली लड़का प्राध्यापक करके मेरे कॉलेज में आए, पीबी पाटिल करके उसके प्राचार्य थे। अच्छा, तो उन्होंने पीबी पाटिल को बोला कि ये लड़का अच्छा है, बहुत अच्छा लिखता है, इसको अभी एमए हो रहा है वो, तो उसको अपने कॉलेज में लेक्चरर करके ले ले। और पीबी पाटिल ने भी मुझे बोला था कि तुम आ जाओ वहाँ पे लेक्चरर करके। उस जमाने में सर ऐसा जगह चाहिए ऐसा नहीं होता था, जगह बना लेते। तो उनका मेरा संबंध था। सर, वसंतदादा पाटिल के बारे में और एक बात यह है कि मेरी पहली मारुति 800 जो है जी, वो उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी। तो मेरे जिंदगी का और ऐसा कुछ मैंने इलेक्शन के काम में फोर व्हीलर गिने चुने लोगों के पास होते थे। हाँ, नहीं, मारुति आई थी, एम्बेसडर और फियाट भी थी, पर मारुति पहले 100 बम्बई में जब आई तब ऐसा हुआ कि मैंने उनका कोई एक इलेक्शन था उसके लिए मैंने लिटरेचर और स्लोगन्स दिए थे, उनको बहुत पसंद आए। वो बोले कि इस तरह से मैं ये इलेक्शन का नैरेटिव सोचा, नैरेटिव शब्द उस समय नहीं था, मैंने सोचा नहीं था, बहुत अच्छा। तो एक भाई सावंत करके मंत्री थे, तो उन्होंने बोला उसको क्या पैसा चाहिए वगैरह दे दो, इसने बहुत सा अच्छा काम किया है। तो मैंने बोला मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे मारुति गाड़ी चाहिए, क्योंकि 55,000 की मारुति 90,000 में ब्लैक में मिल रही है। ओ, तो मुझे मारुति चाहिए मेरे नाम से। तो भाई साहब ने उनको बोला कि उसको मारुति चाहिए, बोले दे दो। तो मुझे पहली मारुति जो जिंदगी में पहली कार जो मिली वो वसंतदादा पाटिल से गिफ्ट करके मिली, उन्होंने मैनेज किया, मेरे नाम से गाड़ी मिली मुझे, तो मैं उनके प्रति। दूसरी एक बात ऐसी होगी कि उस जमाने में 10% के फ्लैट का बहुत ये होता था आकर्षण, और मेरे पास फ्लैट नहीं था, मैं भाड़े के घर में रहता था, और शादी हुई थी, तो रामराव अधिक जो उप मुख्यमंत्री थे उनकी मेरी अच्छी दोस्ती थी, तो सभी मंत्रियों से पूछने ताकत था ही, तो मैं रामराव अधिक के पास गया, मैं बोला मेरे को 10% का फ्लैट चाहिए, तो बोले आर्जा अंडस का, उस समय ऐसा कुछ नहीं था, ये अभी झंझा बहुत बढ़ गया, वो मिलता ही नहीं है और देते भी नहीं है,
तो वो लोग ली, तो मैं वहीं बैठ के मैंने ऐसा कोरा कागज लेके एक अर्जी लिख दी कि मुझे फ्लैट चाहिए 10% का वगैरह। तो बोले तेने विचार ला रहे दादा है कब, वो बोला हाँ दादा है तेन जमा। तो वहाँ उस जमाने के लोगों के सर ये हम बातें करते हैं ना, ये बात बताना जरूरी है, उन लोगों का दिल कितना बड़ा होता था। तो रामराव जी बोले चल मुझे साथ में लेके गए, वसंत दादा के पास गए, बोले अनिल मैंने मैं ओळखतो ना दादा, मैंने त्याला एक 10% मधून घर हवंय असं माझ्याकडे बघितलं, तुला डायरेक्ट येता येत नव्हतं, यांना कशाला घेऊन आला असतो, यांचा वशीला पाहिजे का तुला, माझ्याकडे तुझा वशीला चालत नाही का, मला असं वाटलं, म्हटलं की तुम्हाला एकदम त्रास द्यायचा। मग त्याने रामरावांना सांगितलं की तो माझाच माणूस आहे, मी ते करून देतो, सर 10 दिन में मेरे को चावी मिल गई। वो जमाना था सर, ऐसे ही शंकरराव चौहान ने भी ये किया था। वो छोड़ो अभी जाऊंगा। तो शंकर ये वसंत दादा पाटिल जो थे उनके जीवन में ना सब सुख थे, एक ही दुख था और वो दुख था शालिनी दे पाटिल। मैं बड़ा विधान कर रहा हूँ जी जी जी, मगर उसके लिए साक्षी वो लोग आपको मिलेंगे कि जिनकी उम्र आज 60-70 से ऊपर है। उस जमाने के जितने लोग हैं, अभी ताई भी मेरे ख्याल से 80 के आसपास रहेगी, ज़्यादा भी हो सकती बिल्कुल, है बिल्कुल ज़्यादा भी हो सकती है, मगर उनके जीवन में उनको बहुत तकलीफ दी शालिनी ताई ने, मानसिक राजकीय भी। वो हमेशा चाहती थी उसको, तो मैंने उस समय मैं लिखता था ना तो मैं बोलता था कि वसंत दादा पाटिल राघोबा दादा है आणि शालिनी ताई पाटील आनंदीबाई आहे। वो महत्वाकांक्षी पेशवाई की जो थी उसका हमेशा उपमा देता की ये आनंदीबाई आहे। पहले महाराष्ट्र में, आज अभी ये मराठा का ये सब जरांगी का ये आंदोलन चल रहा है ना, कुछ अच्छी चीज़ें भी शालिनी ताई के बारे में मेरे मन में हैं। वो बहुत, मतलब वो बोलूँगा आज सर, बोलने दो मुझे सर, ये कोई बताएगा नहीं आपको सर, शालिनी ताई पाटील ये पहली महाराष्ट्र की मराठा लीडर है कि जिसने बोला कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री मराठा ही होना चाहिए। उस समय वसंतराव नाईक करके बंजारा कम्युनिटी के मुख्यमंत्री थे और इसने आंदोलनात्मक भूमिका ली कि अगर मराठा ये नहीं होता है तो हम मानेंगे नहीं, यहां तक गई। और वसंत दादा मुख्यमंत्री होने का एक महत्वपूर्ण कारण यह था कि शालिनी ताई जी ने जो माहौल बनाया मराठा के लिए, सब मराठा जाग गए कि भाई हम मराठा बहुसंख्या है, ये मराठाओं का राज्य है और ये बंजारी वहां जाके ऊपर वालों ने क्या सोचा, ऐसा वीक मुख्यमंत्री देंगे कि जो हमारे ये टाटाकाल से मांदर बनून रहे, एकदम अपना चूहा बन के रहेगा करके उनको दिया। मानुस अच्छा था, वसंतराव नाईक भी कर्तव्यकार आदमी थे और उनको बंजारा जमात के थे करके निकला कि भाई मराठा होगा तो वहाँ करेगा, वो गुर्राएगा तो इसके लिए उसको किया था यश। और वो सर उन्होंने, उनका पहला रिकॉर्ड है, 9 साल रहे वसंत दादा नहीं, ये वसंतराव नाईक, अच्छा उनकी बात कर रहा हूँ मैं, वसंतराव नाईक और उसके बाद वसंत दादा हुए जी। तो उनके होने में ताई का हाथ था, उन्होंने जो माहौल बनाया मराठा के लिए उसकी वजह से वसंत दादा हुए। मगर होने के बाद ताई ने आक्रमण शुरू कर दिया, उनके अधिकारों पर आक्रमण, उनके सूचनाओं पर अधिकार, उनको डायरेक्ट बुलाना वगैरह वगैरह, ऐसा किसी मुख्यमंत्री के पत्नी ने किया हुआ मुझे नजर नहीं आता है कि जिसने अधिकारों को बुला और आदेश दिया। वो यही थी ताई, ये थी हमारी। तो वो बहुत परेशान हो गए, उनको ये नहीं, और वो स्टेटमेंट देती रहती थी कुछ भी। हाँ वो अभी दादा क्या है ना, दिल्ली को संभाले बिना यहाँ काम नहीं हो सकता है ना, तो सबको संभालने की सोचते थे। वो किसके खिलाफ भी स्टेटमेंट दे देती थी और दादा को उसका भुगतना पड़ता था खामियाजा। तो वो बहुत परेशान रहे हमेशा। फिर दूसरी बात ऐसी होगी कि जब अंतुले थे जी मुख्यमंत्री, तो इसने अपने पास महसूल मंत्री पर दबाव ला के ले लिया कि मैं ही हूँ। बाद में पहली बार महाराष्ट्र को पता चला कि महसूल मंत्री नंबर 2 होता है, तो उसने सब जगह बोलना शुरू किया कि मैं नंबर 2 हूँ। और वो अंतुले अंतुले थे, उनको इसका वो ये सहन नहीं हो रहा था, तो उनका झगड़ा बढ़ता गया और अंतुले ने निकाल दिया इनको। और निकलने से पहले शालिनी ताई ने भी एक उप मुख्यमंत्री को भगा दिया। किसको भगा दिया मालूम है? रामराव अधिक जो थे वो प्लेन में दारू पिए थे, वो पीते थे जी, बाद में छोड़ी उन्होंने, मेरे दोस्त थे, मैंने भी उनके साथ बिन किया है। तो विमान में पीते पीते वो जरा थोड़ा ज़्यादा नशीले में हो गए, तो एयर होस्टेस आई तो उसका हाथ पकड़ा
और कुछ बोले तो एयर होस्टेस ने प्रोटेस्ट किया, तो बाजू के सीट पे शालिनी देवी का आदमी बैठा था, उसने वो पूरा मामला जो था वो देख लिया, बाजू में ही हुआ ना उसके, तो उसने जाके शालिनी देवी को बताया कि ऐसा हुआ है। शालिनी देवी ने अपने जो पिट्टू में पत्रकार थे उन्होंने भी अपने पत्रकार पाले हुए पत्रकार जी, पहले से सबके होते हैं हाँ, तो ऐसे जो पाले हुए कुत्ते थे उनको बुला लिया और बोला कि ऐसा ऐसा रामराव आदि का हुआ है प्लेन में, वो एयर होस्टेस का नाम, प्लेन का फ्लाइट का नंबर, ये सब उसको दे दिया और पेपर में करके आ गया। और वो इनकार नहीं कर पाए क्योंकि इसने वो लेडी जो थी ना उसको मैसेज देके बोला कि तुम कंप्लेन करो रामराव आदि के खिलाफ, तो लेडी ने कंप्लेन, एयर होस्टेस ने कंप्लेन भी की थी, सर इनको राजीनामा देना पड़ा रामराव आदि को, रामराव आदि उप मुख्यमंत्री को राजीनामा देना पड़ा शालिनी देवी की वजह से। और सर वैसे वो हम उसको झांसी की रानी बोलते थे मेरे तो, मैं उनके पास जाता था गप्पा मारने या करने तो मैं बोलता था झांसी की रानी, मगर वो झांसी की रानी इनको बहुत तकलीफ देती तो झांसी की रानी आज भी है वो। हाँ झांसी की रानी अभी थक गई सर, 80 साल की हो गई, बीच में मैंने दादा को आह्वान कर रही है। नहीं नहीं वो छोड़ो वो छोड़ो, उसकी कहानी बताता हूँ मैं अभी। तो ये शालिनी देवी जो थी वो तब से एक्टिव थी, बाद में वो थोड़ा क्या है ना वसंत दादा ही चले गए, क्या है ना कि सूर्य की प्रति इसके वजह से चंद्रमा चमकता है, तो ये जो था ये चंद्रमा था मगर चंद्रमा को लगा मैं सूर्य ही हूँ ऐसा लफड़ा हो गया। तो दादा के जाने के बाद उनका धीरे धीरे ये हो गया, साखर कारखाना वगैरह सब उन्होंने बहुत खुश किया था मगर वो साइड लाइन होती गई। और सर एक जमाने में मैं आपको बोलता हूँ, अब तक मैं वो बात भूली नहीं, और बाद में जब मैंने देखा तो दिन में ऐसा तीर सा लगा, वो वसंत दादा जब थे और शालिनी देवी निकलती थी ना तो उसका एक जो रुबाब था ऐसे लगता था राजमाता और एक ऐसा बड़ा कुंकू लगाती थी वो, बहुत बड़ा कुंकू ऐसा ठड़क, वो मराठा सम्राट भी जैसी हो ना वैसे, और वो कुंकू इनके ऊपर इतनी शोभा देता था सर। मैं तो बोलता हूँ उनको सामने से आते हुए देखा ना तो कोई भी आदमी है ना वो झुकेगा ही, इतना उनका वो सौंदर्य उनका वो, अरे बाप रे जलवा था, मतलब एक ऐसा तेज था हम उसको बोल सकते तेजस्विनी, मनस्विनी भी थी, बहुत मूडी थी, मनस्विनी भी थी, तेजस्विनी थी और यशस्विनी भी थी, उन्होंने यशस्वी बहुत जिंदगी में कारनामे किए। सर अभी आते हैं, उसका एक कारखाना था जरंडेश्वर जी, वो संकट में गया तो वो जरंडेश्वर कारखाना जो है वो नीलामी में अजीत दादा के आदमी ने ले लिया और बाद में उसका बेच भी दिया जी। तो उसमें सब कुछ पैसे का जो व्यवहार हुआ वो ताई को पसंद नहीं आया और ताई को लगा कि मेरे से छीन के ये इन्होंने किया, तो वो पहला कोर्ट, दूसरा कोर्ट, तीसरा कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब जगह दादा के खिलाफ गई, अजीत दादा के खिलाफ, और वो वसंत दादा भी थे ना नहीं करके अजीत दादा के खिलाफ, सब जगह वो हार गई शालिनी देवी सब जगह हार गई, कहीं भी जीती नहीं। अभी क्या होता है ना सरकार जब बदलती है, अभी अजीत दादा के खिलाफ वाली सरकार थी जी तुम्हारे फडणवीस और इनकी, तो उस समय उसको थोड़ा सा आधार मिल रहा था कि तुम लड़ो अजीत दादा को लड़ो, अभी ऐसा हो गया कि सडनली अजीत दादा ही सरकार में आ गए ना, तो अभी उसका आधार टूट गया, भाजपा वाले जो है वो पहले उसको आधार देते तो वो भी टूट गया, तो अभी अजीत दादा उप मुख्यमंत्री बने तो उसको जलन हो रही है, स्वाभाविक है क्योंकि उनका कारखाना जो जरंडेश्वर है और उसके ऊपर सीआईडी इंक्वायरी, सीबीआई इंक्वायरी सब हुआ है, ईडी का भी हुआ है। सर अभी ऐसा है कि जरंडेश्वर कारखाना जो है जो अजीत दादा के आदमी ने इसका व्यवहार भी किया और अजीत दादा भी इन्वॉल्व थे ऐसा आरोप है सर, वो अभी ईडी ने सील करके रखा है और जब्त भी किया है, जिसने खरीदा था तो उसकी बैंड बजी है। नहीं नहीं ऐसा बैंड नहीं बजता है सर, ऐसा किसी का बैंड नहीं, बैंड वाले जो रहते हैं ना वो शामिल रहते हैं उनको फर्क नहीं। सर अभी ऐसा है कि वो जरंडेश्वर कारखाने के मामले में शालिनी देवी को लगता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाके हारी हूँ फिर भी मैं अगर कुछ कारनामे करती हूँ तो इनको जेल जाना पड़ेगा, रिपिटिशन दाखिल करेंगे हाँ रिपेट फिर से करेगी ये करेगी, मगर सर मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ कि अजीत दादा जेल नहीं जाएंगे किसी भी हालत में और शालिनी देवी का जो अर्जी रहेगा वो सुप्रीम कोर्ट से लेके कहीं भी गई तो टिकेगा नहीं, ये सब हो चुका है सर, इसकी सब जो ये करना है क्या बोलते हैं, क्या लगता है बैकग्राउंड में कोई खेल रहा है क्या इस तरह की? नहीं नहीं ऐसा क्या नहीं, शालिनी देवी काबिल है, अच्छा वो खेल सकती है खुद ब खुद, और अभी क्या है ना कि उसको भी दूसरा कोई काम धंधा नहीं है, बूढ़ी हो गई है, मगर
कुछ तो करना चाहिए, मन को एक व्यवधान चाहिए, तो किसी का द्वेष करने में भी मजा आता है, आदमी आनंद में ही जीता ऐसा नहीं, द्वेष करने में भी होता है ना। हाँ, उस वजह से नाम आया, नहीं तो चालीन नेता का नाम भी नहीं आता था। हाँ, तो लोग याद आ गया मेरे जैसे लोगों को, आपके जमाने में तो लोग नहीं जा रहे हैं, चीजें उनकी याद आएगी। सर, उनकी एक बेटी है, मेरे ख्याल से विजया नाम है, उसको मिला हूँ मैं बाद में भी कई बार, बड़ी कर्तव्यगार लड़की है, वो बैंग बिंग चलाती है, ये करती है, ये फैमिली कर्तव्यगार थी, मगर आपस में लड़के गए। सर, इनका बसंत दादा का बेटा भी खासदार बना, सब बना, मगर कुछ कर नहीं पाया, उस लेवल पर नहीं पहुंचा, नहीं लेवल नहीं, किसी लेवल पे पहुंचा ही नहीं। तो शाली ते तुमच्याबद्दल मला भयंकर आदर आहे, मी ज्या सगळ्या गोष्टी सांगितल्या ना तर त्या एका इतिहासाचा भाग आहे म्हणून सांगितला। आजही तुम्हाला बघितल्यानंतर मी नतमस्तक होतो, नम्रपणाने तुम्हाला नमस्कार करतो, हे मध्ये मी तुम्हाला एकदा भेटलो होतो त्यावेळी तुम्ही पाहिलं, पण पूर्ण आदरानिशी मी तुम्हाला सांगतो की अजितदादांचं काही बिघडणार नाही, वाकडवणार नाही, ते आता वॉशिंग मशीनमधून आले ना ताई, असं काय करताय? धन्यवाद 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 धन्यवाद, जय श्रीराम।